हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ब्लूटूथ हेडसेट की, जो कि है पीट्रॉन की ओर से। और ये अभी तक आप देख सकते हैं, ये पूरी पैकेट जो है वो सील्ड है, तो इसको ओपन करके देखेंगे। अभी मैंने खुद भी नहीं देखा है, तो चलिए फटाफट इसे खोल के देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे मैंने खोल दिया है, और ये ब्लैक कलर की बॉक्स में अंदर, और ये अच्छे तरीके इसमें फिट है। ये बेसिकली कॉलिंग के लिए यूज़ होता है, और मैंने कॉलिंग के लिए मंगाया था। इसकी ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसकी मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। काफ़ी कम्फर्टेबल है ये पहनने में, और जो आपको माइक्रोफोन की बार दिख रही है, उसे आप अपने हिसाब से रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये फास्ट चार्जिंग 1.5 आवर्स, लाइफ टाइम 8 आवर्स और स्टैंड बाई 200 आवर्स की क्लेम करती है विथ 90 mAh ऑफ बैटरी, मगर वो क्लेमिंग जो है वो हम बाद में देखेंगे। ये काफ़ी लुक वाइज काफ़ी सही लग रही थी, ये जो काफ़ी इसमें ये पार्ट जो है वो काफ़ी एक्सटेंड कर दिया आगे तक, देख सकते हैं आप इसकी लुक करीब से। ये देख सकते हैं इसकी ब्रांड नेमिंग जो है पीट्रॉन। इसको ऑन करके देखते हैं, ये ऑन हो चुकी है, और इसमें ये जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, साथ साथ में रेड लाइट भी आप देख रहे होंगे ब्लिंक कर रही है। मींस ये अभी पेयरिंग के लिए डिवाइस जो है वो सर्च करने लगा। पर इसके पहले और देख लेते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें एक मिल गया हमें एक डेटा केबल, जो माइक्रो यूएसबी, हाँ ये माइक्रो यूएसबी ही है, इसमें आप इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं। डाटा केबल की लेंथ जो है वो छोटी है, पर ये डाटा केबल तो बस नाम के लिए होता है, सबके पास तो अपना डाटा केबल खुद का होता है, आप अपने मोबाइल के भी डाटा केबल से इसको चार्ज कर पाएंगे। ये लुक वाइज और क्वालिटी वाइज तो काफ़ी सही लग रही है। इसकी बैटरी बैकअप तो है वो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, पर आपको अगर बैटरी बैकअप के बारे में जानना हो तो 10 दिन के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, मैं उसमें अपडेट कर दूंगा। तो इसको सर्च करते हैं अपने फ़ोन से और देखते हैं इसकी नेमिंग क्या है। और हाँ, इसमें दो ईयर प्लग्स भी दिए हैं। ये कॉन्ट्रास्ट थोड़ी लो हो गई क्योंकि ये मैं फ़ोन को बीच में ले आया, तो चलिए इसमें सर्च करके देखते हैं इसकी नेमिंग क्या है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पीट्रॉन रोवो करके आ चुका है, तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है, तो मैं इसे कान में लगा के इसकी कुछ साउंड की क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, ताकि वो मैं अभी आपको इंस्टेंटली बता पाऊँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इसकी साउंड की क्वालिटी चेक करके देखी, और इसकी साउंड की क्वालिटी चेक जब मैंने की तो देखा इसकी साउंड की वॉल्यूम काफ़ी हद तक लाउड है, और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आ रही थी, साथ साथ में कॉलिंग के दौरान भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी। अभी मैं अपने फ़ोन से एक सॉन्ग प्ले करके देखता हूँ, और इसको अपने माइक की तरफ ले जाऊँगा विथ फुल वॉल्यूम। तो आपने देख लिया इसकी साउंड की क्वालिटी, और मतलब साउंड की वॉल्यूम, पर उसके बाद भी इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। इसकी यूज़र मैनुअल जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं, मैं सबकी एक एक करके आपको फंक्शन जो है वो समझा दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको दिख रही होगी ये
ये बटन जो कि पावर ऑन और ऑफ बटन है, इसमें अच्छी बात यह है कि ये स्लाइडिंग है, तो आपको वो होल्ड करके रखने वाली टेंशन नहीं है इसमें, डायरेक्ट आपको स्लाइड कर देना है और ये ऑन हो जाएगी। आप जब ऑन होते ही यहाँ पे रेड और ब्लू लाइट जो है वो ब्लिंक होगी, मतलब ये डिवाइस जो है ब्लूटूथ डिवाइस को सर्च कर रही है। और उसके बाद है यहाँ पे वॉल्यूम प्लस और माइनस की बटन जो आपको दिख रही होगी, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भी ये स्लाइडिंग फंक्शन ही है। अगर आप इसको होल्ड करके प्लस की तरफ रखते हो जस्ट लाइक दिस, तो ये जो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होते रहेगी और अपने सेचुरेशन वॉल्यूम पे पहुंच के ये स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप इन रिवर्स डायरेक्शन करते हो मीन्स माइनस की तरफ, तो वॉल्यूम जो है सेम तरीके से डिक्रीज़ होते जाएगी और अपने मिनिमम वॉल्यूम पे पहुंच जाएगी। तो ये इसकी अच्छी बात थी। और इसमें और भी बटन्स हैं जो कि काफ़ी हिडन है, आप देखेंगे तो आपको मिलेगी भी नहीं जब तक आप यूज़र मैनुअल नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पे ये एक बटन दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, और साइड में एक और बटन दिया है यहाँ पे। ये दोनों की अलग अलग फंक्शंस हैं जैसे कि मैं यूज़र मैनुअल में देख पा रहा हूँ। ये वाली जो बटन आपको दिख रही है ये कॉलिंग की बटन है, और ये वाली जो बटन आपको दिख रही है वो प्ले और पाउज की बटन है। सपोज़ अगर यहाँ पे आप अपने मेरे मोबाइल को देखें और इसे भी देखें, मैं इस बटन को प्रेस करके सॉन्ग्स को जो है वो प्ले कर सकता हूँ। देख सकते हैं ये प्ले होने लगा है। फिर मैं इसे दोबारा प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं जो म्यूज़िक थी वो पाउज हो चुकी है। तो ये रही प्ले और पाउज़ की। और सबसे ऊपर जो बटन दिख रही है आपको ये वाली, ये कॉलिंग की बटन है। सपोज़ आपने किसी को कॉल किया है, अगर आप इसे डबल क्लिक करते हैं तो वो लास्ट कॉल पे जो है वो कॉल चली जाएगी। मैंने इसे दो बार क्लिक किया, आप देख सकते हैं कॉल लगने लगी। मैं इसे एक बार क्लिक करूँगा तो कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और सिमिलरली अगर आपको कोई कॉल रिसीव भी करना हो तो आप उधर से जब कॉल आए तो एक बार क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव भी हो जाएगी। और ख़ास बात यह है कि अगर कोई पर्सन कॉल करता है तो ये जो ब्लूटूथ हेडसेट है उस कॉलिंग पर्सन की जो नेम है वो वॉइस के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेगी कि सपोज़ दीपक इज़ कॉलिंग, तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं कॉलिंग बटन को प्रेस एंड होल्ड करके थोड़ी देर। साथ साथ में अगर कॉल आती है तो आप यस या फिर नो बोल के कॉल को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है इस ब्लूटूथ हेडसेट की। और ये सारे फंक्शंस तो हो गए, ये बटन भी हो गया, ये बटन भी हो गया, ये सारे फंक्शंस हो गए। और इसमें आप देख सकते हैं अपने हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं, आपको जहाँ पे रखना हो। ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, ये आप अपने लेफ्ट और राइट दोनों ईयर में पहन सकते हैं क्योंकि ये रोटेशन के साथ साथ रेवोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, और आप अपने ईयरबड्स की पोजीशन जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जो प्लस और माइनस वॉल्यूम कंट्रोल की बटन है, आप इससे सॉन्ग्स को जो है आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस किए रहे हैं तो वो वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज होगी, बट अगर आप एक बार ऐसे करके छोड़ देंगे तो वो नेक्स्ट सॉन्ग पे चली जाएगी। ये अलग फंक्शन है इस, मतलब ये कंबाइंड फंक्शन है इस बटन की। इसकी वेट जो है वो 60 ग्राम्स की है, जो कि देखा जाए सही वेट है, लाइट वेट के कैटेगरी में आ जाएगी। और इसकी बैटरी परफॉर्मेंस या फिर चार्जिंग टाइम जो है वो मैं बाद में मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि उसके लिए इसे यूज़ करना पड़ेगा। और अभी आपने देखा ही है मैंने इसे जस्ट खोला है पैकेट से, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और आप 10 दिन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसको सही से यूज़ करने के लिए इसमें कुछ गाइडेंस भी दिया है, वो आप यूज़र मैनुअल में पढ़ सकते हैं। और एक मैं बता देता हूँ, अगर आप ये बहुत दिन से यूज़ नहीं भी करते हैं तो खास करके 1 महीने के अंदर आप इसे एक बार चार्ज कर लें ताकि इसकी बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो सही रहे। तो बात कर लेते हैं इस ईयरबड की प्राइसिंग की। इस पर आप MRP देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 2500 मेंशनड है इस पर ये मैंने अमेज़ॉन से 899 में ली थी लाइटिंग डील में। लाइटिंग डील में हमेशा जो प्रोडक्ट मिलती है वो काफ़ी सस्ती ही होती हैं, तो 899 में ये वॉट परचेजिंग है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे लें, और ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, काफ़ी मतलब लुक वाइज भी अच्छी है, फंक्शंस वाइज भी अच्छी है। बस रही बैटरी की, तो वो मैं आपको बाद में अपडेट दे दूंगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी चेक कर लें, क्योंकि कुछ गिव अवेज हैं जो कि मंथ में एक बार एक प्रोडक्ट के लिए हमेशा होती है, और उसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप काइंडली उसे भी देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।